भाइयों और बहनों, इन घोर परिवारवादियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दिया, आपको हमेशा हाशिए पर रखा। देवरिया के लोगों को याद है कि घर में कोई बीमार पड़े तो आधी रात को कैसे जीप लेकर गोरखपुर भागना पड़ता था। दशकों से ऐसा हो रहा था, लेकिन पहले की सरकारों ने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। गोरखपुर, देवरिया और आसपास के क्षेत्र में दिमागी बुखार से कितने ही मासूम बच्चों को दुखद मृत्यु हो जाती थी, लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए इन परिवारवादियों ने कुछ नहीं किया। ये योगी जी की सरकार का ही प्रयास है कि इस क्षेत्र में दिमागी बुखार काबू में आया है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जीवन बच रहा है। अभी कुछ समय पहले मुझे यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण करने का मौका मिला था। देवरिया का महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भी उसमें शामिल है। ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था, लेकिन आप लोग कभी इन घोर परिवारवादियों की प्राथमिकता में थे ही नहीं। ये हमारी ही सरकार है जिसने गरीब से गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा भी दी है। साथियों, हमने सिर्फ देवरिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 18 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 20 पर तेजी से काम चल रहा है। गोरखपुर में बने एम्स से आपको 2 गुनी राहत मिली है। हमारी कोशिश ये भी है कि गरीब का बेटा बेटी अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। इसका बहुत बड़ा लाभ देवरिया और पूर्वांचल के हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले मेरे सभी बेटे बेटियों को इसका लाभ होने वाला है।